हेलो व्यूअर्स, आपका खाना पचता है या सड़ता है देख लीजिए। आपके लिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो खाना खाते हैं वह पचता है या सड़ता है। पेट में भोजन पचेगा तो तंदुरुस्ती, पेट में भोजन सड़ेगा तो बीमारियां। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिए आहार में मौजूद पोषक तत्व आपकी बॉडी को तभी मिल सकते हैं जब खाना ठीक से पचता है, ना कि आपके द्वारा लिए जाने वाले आहार से। इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि खाना खाने के बाद पेट में खाना पचता है या सड़ता है। आइए जानते हैं। नंबर एक, वर्तमान में खाने को लेकर सभी बहुत ही संजीदा हैं और खाने में मौजूद पौष्टिकता की जांच करके अपना डाइट चार्ट बनाते हैं, इसलिए वे बॉडी के लिए जरूरी कैलोरी का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जब पौष्टिक खाने के बाद भी बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तब हम दोबारा अपने डाइट चार्ट को देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार आपके खाने का अंदाज है? यानी आपको यह समझना होगा कि आप जो खा रहे हैं वह पच रहा है या सड़ रहा है। आइए इसके पीछे सभी तर्क जानते हैं। नंबर दो, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि अमाशया क्या है। रोटी, दाल, सब्जी, दही, लस्सी, दूध, छाछ, फल आदि, यह सब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और पेट इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हमें अमाशया के नाम से जानते हैं। ये एक थैली की तरह होता है और हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। नंबर तीन, क्या आप जानते हैं कि हम कुछ भी खाते वह सब कुछ अमाशया में आ जाता है, लेकिन अमाशया बहुत छोटा सा स्थान होता है और इसमें अधिक से अधिक 350 GMS खाना आ सकता है। अमाशया में प्रदीपित होने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ऐसा ही पेट में भी होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, नहीं कि जठराग्नि तुरंत प्रदीपित हो गई, यानी यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक आपके द्वारा खाना पच नहीं जाता। नंबर चार, कई लोगों को खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत होती है। कई तो बोतल भरकर पानी पी लेते हैं, लेकिन जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, खासकर खूब ठंडा पानी, तो जठराग्नि में जलने वाली अग्नि बुझ जाती है और आग के बुझ जाने पर खाने की पचने की क्रिया भी रुक जाती है। नंबर पाँच, हमेशा इस बात को याद रखें कि खाना जाने पर हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया जिसे हम पाचन कहते हैं, यानी खाने का पचना, और दूसरा फर्मेंटेशन, जिसका मतलब खाने का सड़ना होता है। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, और रस बनने से मांस, बोन मैरो, ब्लड, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र और असिथ बनेगा, और सबसे अंत में फैट बनता है। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। नंबर छः, अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा, यह जानना भी जरूरी है। खाने के सड़ने पर सबसे पहले जहर यूरिक एसिड के रूप में बनता है। कई बार हम घुटने या कंधे कमर में दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर हमें बताते हैं कि यह दर्द यूरिक एसिड के कारण है। यूरिक एसिड के अलावा दूसरा विष LDL है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हाई BP की समस्या होती है। साथ ही सबसे खतरनाक विष यानी BLDL भी खाने से सड़ने के कारण बनता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड भी खाना सड़ने के कारण बनने वाला एक और जहर है। नंबर सात, अब आप चाहें इसे यूरिक एसिड के नाम से कहें, कोलेस्ट्रॉल के नाम से, या LDL, VLDL के नाम से, ये सभी विष हैं और ऐसे 103 विष खाने के सड़ने से बनते हैं। मतलब समझ लीजिए, किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है। इसका मतलब खाना पचने पर मांस, बोन मैरो, ब्लड, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र और असिथ बनते हैं, और न पचने पर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL,
VLDL बनने लगते हैं और यही आपकी बॉडी को रोगों का घर बनाते हैं। नंबर 8, पेट में बनने वाला यही जहर जब ज़्यादा बढ़कर ब्लड में आता है तो ब्लड दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता और रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आता है वह इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है और इसकी ब्लॉक नाड़ी को हार्ट अटैक कहते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे द्वारा लिए जाने वाला खाना बॉडी में पच रहा है या सड़ रहा है। इसके लिए पेट में ठीक से आग प्रदीप्त होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है। एक बार फिर से, पेट में भोजन पचेगा तो तंदुरुस्ती, पेट में भोजन सड़ेगा तो बीमारियां। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।